त्रिपुरा में आपको मैंने बताया था कि त्रिपुरा में कुछ फर्जीवाड़ा किया गया था कि हिंदुओं ने हरे टिड्डों पे हमला किया, ये खबर आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था ये फर्जी खबर। उसमें बड़े बड़े ये अपने एजेंडे पर टिके होते हैं, ये विनोद कापरी हो, राजदीप हो, सायमा हो, आरपा हो, यानी ये जो पंच मक्कार गिरोह है ये अपने एजेंडे के प्रति ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं। वो झूठ फैलाकर भी अपने एजेंडे को बढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। त्रिपुरा के मामले में झूठ फैलाकर हिंदुओं को पुनः बदनाम किया गया। और मैंने आपसे कहा था कि हम नरेशन वॉर क्यों हारते हैं, त्रिपुरा में हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हिंदू कोई बोलने को तैयार नहीं, यूट्यूबर बोलने को तैयार नहीं, इसी कुत्ता बिल्ली वाली खबरों में सब लगे रहते हैं, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोलने को तैयार। और आज हिंदुओं को बदनाम कर दिया गया, पूरी तरह से वो खबर झूठी थी, झूठी थी वहां की। और वो जिन लोगों ने झूठ फैलाया उसमें राहुल गांधी भी था, राहुल गांधी गिरफ्तार होना चाहिए जो समाज में हिंदू मुस्लिम बांटने पर लगा है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होता, घूमने चला गया है। उसके तो माता जी सबके, वो तो जमानत पे विदेश यात्रा कर रहा है, किसी को जमानत पे तो यहाँ आपको पासपोर्ट जमा कराने को न्यायपालिका कह देगी, पर राहुल गांधी आपके लिए नहीं, माता जी और उसके राहुल गांधी घूमते रहे कितने जमानों पर। तो राहुल गांधी के ट्वीट के बाद फर्जीवाड़ा किया गया, उस मामले में बड़े बड़े पत्रकारों ने फर्जीवाड़ा किया। अब त्रिपुरा की सरकार ने ऐसे 102 लोग जो हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटते वहां आग लगा रहे थे और हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे, किसी मस्जिद पे हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे, उन पर जब यूएपीए की धारा लगाई गई है तो एक दोगला जो संस्था है एडिटर गिल्ड टैप का, एडिटर गिल्ड दोगलों की जमात है, सुन लीजिए आप, मैं भी पत्रकार हूं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, दोगलों की जमात, वो दोगला का जमात त्रिपुरा सरकार पर हमला करने आए, पर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल पता नहीं क्या कर रहा है, एडिटर गिल्ड को छीन के क्यों नहीं रख देते, पर उनको कोई चिंता ही नहीं होती। तो त्रिपुरा में वो कम्युनिस्ट से लड़ना, इस्लामिस्ट से लड़ना वहां सब लड़ रहे हैं, और उसमें जो है एडिटर गिल्ड कूद पड़ा है कि इन 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए जो धारा लगाई गई है, गैर कानूनी गतिविधियां निषिद्ध कानून, उसकी हम आलोचना करते हैं और सरकार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर खबरें प्रकाशित प्रसारित करने से रोकने के लिए कठोर कानून का उपयोग नहीं कर सकती, यानी फर्जीवाड़ा करने के लिए एडिटर गिल्ड कह रहा है कि हम फर्जीवाड़ा करेंगे, आप कानून उपयोग नहीं करो। अब आप देख रहे हो कि खबरों को रोकने के लिए आप कानून का उपयोग नहीं कर सकते, खबर को रोका छोड़े जा रहा है, आप खबर सही करो, आपने खबर फर्जीवाड़ा किया, हिंदू जाति को बदनाम किया, हिंदू धर्म को बदनाम किया, ये काम में अभी त्रिपुरा में हो रहा है। एडिटर गिल्ड ने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से वह सकते में है, पाकिस्तान प्रेमी एडिटर गिल्ड, और वह सकते में है, और यह बहुसंख्यकों द्वारा की गई हिंसा को, ध्यान दीजिए एडिटर गिल्ड भी हिंदू को गाली दे रहा है, अपना भाजपा का आईपीसीएल दुख रहा है, अपनी सरकार को बचाने में नहीं आ रहा, ना कोई हिंदू आपको दिखेगा, बहुसंख्यकों द्वारा की गई हिंसा को नियंत्रित करने में असफल रही त्रिपुरा सरकार द्वारा अपनी असफलता छिपाने का प्रयास, पूरा वीडियो गलत, वहां के बड़े चैनल के पत्रकार आदि सबके बयान है कि सारी खबर गलत है, लेकिन एडिटर गिल्ड को राजनीति करनी है, वो बहुत से फिर हिंदू को बदनाम कर रहा है, और इसलिए हिंदू नरेशन नहीं ले जाता, क्योंकि हिंदुओं को आज ये खबर ही नहीं होगी, जिस जिस ने आपको ये खबर नहीं बताई है समझना कि ये नरेशन वार के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए लड़ रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, ध्यान दे देना इस बात, क्योंकि नरेशन वार में हिंदू पिछड़ रहा है, और आज हिंदू जहां बदनाम हो रहा है उनके लिए भी नहीं लड़ोगे तो क्या करोगे, बाबा जी का टुल्लू बढ़ोगे। और इसमें जो है त्रिपुरा चल रहा है, हिंदू जला रहे, जैसे बयान दिया है एडिटर गिल्ड ने, आपको इसका विरोध करना चाहिए, ट्विटर पे जाकर एडिटर गिल्ड को घेर लो जा, और घेर लो और इतने टैग करो कि एडिटर गिल्ड पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, घेर लो उसको, क्योंकि वो फर्जी न्यूज का साथ दे रहे। अर्णब गोस्वामी जब जेल में गया था तब नहीं बोला था, मुंह में पान चलाए घूम रहे थे सब, त्रिपुरा में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए काम कर रही है एडिटर गिल्ड। और त्रिपुरा से सटे हुए आसाम में ही एक बार और अच्छी खबर सुन लो, 500 हेक्टेयर एरिया को जो फॉरेस्ट लैंड था वहां पर घुसपैठिए घुस गए थे, ये आपको नरेशन बनाने का फिर एक और
खबर बता रहा हूं, 500 एकड़ वन भूमि पर अवैध बांग्लादेश और म्यांमार के हरे टिड्डे जो अवैध रूप से बसे थे उन सबको खाली करवाने जा रही है हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार। सीआरपीएफ और इन सबको डिप्लॉय कर दिया गया है वहां। तो कल त्रिपुरा की तरफ फिर फर्जी खबर चले, और एडिटर भी कोई पक्ष में खड़ा हो विश्वास मत करना। आपको नरेशन बिल्डिंग सीखना होगा और नरेशन में आपको मात देना होगा पंचमक्कारों। हम त्रिपुरा का बैटल हार रहे हैं, हम आसाम का बैटल हार रहे हैं, हम बंगाल में हिंदुओं के संघार का बैटल हार रहे हैं, हम बांग्लादेश में हिंदुओं के संघार का बैटल हार रहे हैं, और हम पूरे दिन कहते हैं हम सोशल मीडिया वॉरियर हम हैं बाबा जी का ठुल्लू। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, पूरे दिन चकल्लस जो चलता रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर और सोशल मीडिया तक, उसमें जब जब आप नरेशन ही बिल्डिंग पे काम नहीं कर पा रहे हो और ना लोगों को जागरूक कर रहे हो तो कर क्या रहे हो सर? पूरा हिंदू लगातार बदनाम हो रहा है। इसलिए त्रिपुरा त्रिपुरा के इस इशू को आप लोग प्लीज उठाइए। एडिटर गिल्ड दलालों का गिल्ड है, पत्रकारिता के भेष में बैठे हुए भेड़ियों का गिल्ड है एडिटर गिल्ड। और आसाम में फिर से जो होने जा रहा है, आसाम में दो हरे टिड्डो को संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए थे, दो हरे टिड्डो की मौत को, जिन्होंने 11 पुलिसकर्मी घायल हुए थे आसाम में, वो खबर नहीं बनी, दो हरे टिड्डो के सीने में ठोका गया वो खबर बन गई, और वो हिंदू मुंह पे पान चबाए खाए खाए घूमता रहा। आपको नरेशन बिल्डिंग सीखनी होगी, मेरी बात कठोर लगती हो तो और लगे, पर नरेशन बिल्डिंग सीखनी, क्योंकि हमें युद्ध जीतना है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम किसी को नहीं छोड़ सकते, हमें नरेशन की लड़ाई जीतनी ही है। इसका कोई उपाय नहीं है कि आप चीजों किसी और के हवाले कर दें, फॉरवर्ड करने वाली बातें हैं कि इसको फॉरवर्ड उसको फॉरवर्ड, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए और नरेशन की लड़ाई को जीतिए। ये कई मुद्दे हैं जो नरेशन पे हैं, नहीं जीतेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका किसी संदीप का देख लो, किसी देव का देख लो, कभी हैंड टेल सबके देखते जाओ, वीडियो होना क्या है, शाम में जाके थक के सो जाओ, उनकी अरे भारत हिंदुओं के प्रति बड़ी चिंता है भारत, अब हमारा क्या होगा, वो इस्लाम आ रहा है ये भेटना आ रहा है, बस जाके सो जाओ। अरे कम से कम मैदान में नहीं उतर सकते, सोशल मीडिया से ही टहलाओ। इसलिए इस पूरे न्यूज पर नजर रखिए, त्रिपुरा और आसाम पर नजर रखिए, वो बहुत आवश्यक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।